रावण ने मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की सीढ़ी बनाई है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। परंतु वो बात समझाने के लिए शिवात्मा रामदास के पास आओगे तो उन्होंने उस लंका को जलाई है रावण की। उन्हें ही ये मालूम है कि वो स्वर्ग तक की सीढ़ी क्या है, किस तरह से पाई जाती है और किस तरह से हम उससे विमुख होते हैं। वो रावण और श्री राम भक्त हनुमान के संयोजन में प्राप्त हुआ था। जैसे खो गई है चेतना हमारी, हमें खबर नहीं है मैं कहाँ बसा हूँ और चेतना मेरी खो गई है। अब उस चेतना को लेकर कौन जाता है राम, यानी चेतना जिसको जानती हैं, चेतना को जो जानते हैं, चेतना जिसके साथ संयोजित हैं और चेतना का उद्गम स्थान वो है जो वेग उद्गम स्थान से दूर है। तो बीच में क्या था, बीच में उसकी समय अवधि, उसकी गति, उसकी क्रिया, उसकी प्रभावना, जैसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, तो इस मन के विचार का हॉर्स पावर कितना है, किस प्रकार का है। मन की उद्भवित ऊर्जा का वेग कितना प्रभावशाली है, मन से उत्पन्न होने वाली गति, चेतना की गति कितनी प्रभावशाली है, कितनी गतिमान है, कितनी क्रियात्मक हैं, और वो चेतना उत्पन्न होकर अभी देह के भीतर से ही बाहर निकली है और प्रकृति में अभी परिवर्तन नहीं आया। प्रकृति कैसी है, जैसा उस व्यक्ति ने या उस जीव ने, उस ब्रह्म ने चाहा वैसा समय नहीं आया। इसीलिए ब्रह्मा ने एक होते हुए कहा था कि एको हम बहुश्यामि, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। तो उस क्षण उन्हें अपने देह से एक से दो होने की अनुभूति भी नहीं हुई थी। इसे चेतना की क्रिया कहते हैं। जैसे अमीबा एक हैं परंतु वो अपने शरीर को ऐसे ही दो भागों में विभक्त करता है और दोनों भागों में वही शक्ति रहती है जो उस एक अमीबा में थी जो एक से दो हुए, और वो एक एक दो हुए, वो उस एक में से स्वयं ने एक ने दो भाग में और विभक्त कर दिया, तो दो और दो चार अमीबा स्वयं ऐसे ही शक्तिशाली हुए। उसमें कोई भेद हो तो जान लो, बता दो कि कहाँ मेरी कुछ गलती हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुझे गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस तथ्य के आधार पर मैं स्वयं ही अपने आप से ये जानकारी एकत्रित ब्रह्मांड से कर व्याप्त कर रहा हूँ। अब व्याप्त करने की क्रिया तो आपके हाथ में होते हुए भी हम कामनाओं में, क्रोध में, लोभ में,
मोह में, माया में, आलस में, ऐश्वर्य में, ऐश्वर्य प्राप्त होते ही अहंकार में हम अपनी शक्ति को, हमारी ऊर्जा को, हमारी गति को, हमारी चेतना को मार्ग प्रदान करते हैं, जिसे हम रामबाण कह सकते हैं या हम रावण का बाण कह सकते हैं। अब रावण और राम का बाण में भेद क्या है? वो चेतन तत्व कर्म जो उस देह के अंदर हो रहा है। जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर हमारा भोजन पचाने की क्रिया करता है, हमसे श्वास अवश्य में जबरदस्ती लिया जाता है। हम अगर इसे कितना भी रोकने की क्रिया करें तो वो थोड़ी कुछ क्षणों तक रुक सकता है, परंतु हमें किसी भी तरह से वापस श्वास को वापस खींच कर हमारे देह में लाना होगा, तभी जाके हमारी चेतना में शरीर की व्याप्तता में महसूस होगी। अगर हम रोक लेंगे ज़्यादातर तो ये शरीर में से वो चेतना विस्फोटित होते हुए बाहर की और चली जाएगी। उसके जाने के लिए एक है न, दस द्वार का पिंजरा है मैं कैसे समझाऊं, दस द्वार हैं तेरे पास नौ द्वार ये बतलाऊं, दसवा द्वार है तेरे पास नौ द्वार ये बतलाऊं, जहां से जावे पिंजर तो मुक्ति पावे नहीं, और दसे द्वार से जावे तो जगत में आवे नहीं। इसीलिए हम सब की कपाल क्रिया करते हैं। अब इससे मिलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका जीव चेतना वहाँ मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में, यानी कपाल से ऊपर शस्त्र सार में रुक गया हो, तो उस देह को जलाने के बाद वहाँ से हम उसको विच्छेदित करते हैं, जहाँ से वो चेतना अलग होकर निकल के अमरता को प्राप्त कर ले, मुक्त हो जावे जन्म मरण से। बस यही अमरता है। जन्म मरण से शरीर है, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ रहा है, यानी मरना नहीं पड़ रहा है तो अमर है, और अगर शरीर त्याग कर लिया और जन्म नहीं लेना पड़ता है तो अमर है। अमरता की परिधि क्या है ये जानोगे, अनुभव करोगे, तभी तो जान पाओगे ना। अभी मर के जिंदा हुआ ही कहाँ है वो, अभी मर के जिंदा हुआ ही कहाँ है वो जो रावण को, जो रावण को समझ पाया ना हो। समझेगा तो उसमें जिंदा होने के लिए वो राम तत्व उत्पन्न हो जाएगा और स्वर्ग की सीढ़ी नजर आएगी। अब समझना है हमें, गुरु महाराज ने समझाया है, अब हमें समझना है। किस प्रकार से समझेंगे? तो कि अगर समझ नहीं आए तो हम गुरु के पास जाएंगे। ये समझने के लिए बार बार हम गुरु के पास जाएंगे तो सत्यता की तरफ का ही अनुभव हमें होगा। हमें उसका परिपूर्ण सार तत्व है, उसका गुण रहस्य मालूम होगा। हमें इस जगत के अंदर जैसे बहुत कुछ है, परंतु हमारे लिए अभी इस वक्त क्या जरूरी है, दैट इज द मेन थिंग, वही हमारा महत्व का मुद्दा है। अभी मुझे पानी चाहिए और आप मुझे भोजन ला के बोले लो खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, क्या योग्य है ये? आपको भूख लगी है और मैं बोलता लो पानी पियो पानी पियो पानी पियो, तो पानी पियोगे आपका पेट तो थोड़ी देर के लिए भर जाएगा, परंतु अंदर की जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो चेतना अपना कार्य जो चाहती थी, अपनी ऊर्जा जो चाहती थी, क्या चाहती थी? शरीर मल का बना हुआ है, मल के शरीर में मल की शक्ति यानी देह शक्ति, जिसे हम सेल्स टिश्यू कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं और उसमें से प्राप्त करके वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। जैसे श्वास हमें शरीर के अंदर जो चेतना है उसे गति प्रदान करती है, और भोजन से हमारे शरीर के अंदर सेल्स उत्पन्न होते रहते हैं, और इसी तरह से हम चेतना यानी वाइब्रेशन से इस ब्रह्मांड में
चेतनाएं व्याप्त करते रहते हैं, उदित करते रहते, वाइब्रेटित करते रहते इस ब्रह्मांड में, तो प्रकृति उस तरह की बन जाती है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम ऐसी प्रकृति बना सकते हो। तुम्हें क्या बनना है वैसा तुम सोचना शुरू कर दो तो तुम वैसे बन जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तुम्हारे ही हाथ हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरे हाथ हैं। तुम मुझे कोई भी काम जबरदस्ती कब तक दे सकते हो, कितना दे सकते हो? यदि मैं आपके यहाँ पगारदार हूँ तो मुझे कुछ समय मैं आपकी सेवा करूँ, या आपका कोई कार्य किया हुआ है तो उसमें कितना समय लगा, कितना परिश्रम हुआ, कितना क्या धन लगा है, वो सभी मिलाकर उससे ज़्यादा मुझे धन प्राप्त होगा तो मैं मेरे जीवन का निर्वाह कर सकूँगा। अगर उतना ही प्राप्त हुआ तो मुझे अपने धन में से ही इस आपूर्तियों का व्यय करना होगा। इसीलिए संसार के अंदर आदान और प्रदान की क्रियाएं बनी हुई हैं, जिसे हम चक्र कहते हैं। चक्र कुछ और नहीं है, समय की गति पल क्षण वो समझ लो, या ये एक सेल और दो सेल और तीन चार छः आठ दस सेल, एक सेंटीमीटर की जगह है उसमें एक सेल की पूरी परिधि त्रिज्या से लेके वो 0.01 mm हो तो कितने उसमें सेल सहजता से आ सकेंगे, वो आप गिनती के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। गिनती करोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा कि 10x10 का कमरा है और 10x10 की ऊंचाई निचाई चौड़ाई लंबाई है तो उसमें क्या कितना धन आ सकता है, अधिक से अधिक मात्रा में और किस तरह से। यदि उससे ज़्यादा और धन उसमें डालने की प्रक्रिया करेंगे तो क्या वो उसमें रहेगा, आप सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये सहज है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसका समझाने की ज़रूरत यूँ हो रही है कि हम अपने मस्तिष्क को माया में लिप्त करके इस संसार की धन दौलत और इस संसार की धन दौलत से हमारे शरीर को जो सुख प्राप्त हो उसके लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं, और उस प्रयत्न में हम सत्य पे चलते चलते झूठ का सहारा लेकर हम सर्वथा से सर्वथा झूठे होते चले जाते हैं। इसीलिए बार बार समझाने पर भी नहीं समझ सकते हैं तो क्या करें। ये ईश्वर की माया शक्ति ऐसी है कि समझने के लिए हमारे पास पूर्ण रूप से उतनी ऊर्जा प्रदान कर ली है, जैसे एक अमीबा में थी वैसे बाकी के अमीबाओं में भी वैसी ही ऊर्जा शक्ति, वैसी ही उसमें बल गति सभी वही हैं, परंतु वो जिसमें से वो स्वयं प्रकट करेगा जीव तभी वो प्राप्त होगा, अन्यथा तो कैसे उसे जान पाओगे तुम मैं ये वो सभी करो। बुद्ध ने कितने साल तपस्या की तब जाके स्वयं को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसने अनुभव किया, ये आप जानते हैं, मुझे आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी कितने साल तक तपस्या की तब जाके उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। इसी तरह दैत्य दानव राक्षस यक्ष किन्नर और जगत के हर जीव ने इसके अंदर अपनी संवेदनाओं को आरोपित किया है।
जहाँ मन लगेगा वैसी ही दुनिया शुरू हो जाएगी बनना रचना अपने आप। जैसे मन लगाओगे, जैसे मन को अंदर से व्याप्त हो जाओगे। हरिओम श्री हरि शिवात्मा।